नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में पंखा रिपेयरिंग सीखने के लिए, पंखा रिपेयरिंग की दुकान खोलने के लिए आपको क्या क्या सीखने की ज़रूरत पड़ेगी। यदि आप मिस्त्री बनना चाहते हैं या फिर दुकान खोलना चाहते हैं रिपेयरिंग की, पंखा कूलर मोटर की रिपेयरिंग की दुकान खोलना चाहते हैं, तो आपको किन किन बातों का नॉलेज होना चाहिए। यदि आप मोटर समरसीबल यदि इसकी भी रिपेयरिंग करना चाहते हैं अपने हिसाब पर, तो उसके लिए अलग से आपको वीडियो देखने पड़ेगी। इस वीडियो में केवल पंखे की मोटर पंखा रिपेयरिंग से संबंधित जानकारी बताऊंगा। यदि आप पंखा रिपेयरिंग करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो आपको किन किन सामानों की ज़रूरत पड़ेगी और क्या क्या आपको सीखना पड़ेगा। पंखा इस तरह से होता है, मैं मेन टॉपिक पर बात करूंगा। पंखा इस तरह से होता है, यह जब किसी कारण से ख़राब हो जाता है, वर्क नहीं करता है, तब उसको रिपेयरिंग करवाने की ज़रूरत पड़ती है। जब मिस्त्री के पास जाता है तो उसको चेक किया जाता है कि उसमें क्या फॉल्ट है। जब उसकी मोटर जली होती है, यानी जो उसके अंदर वाइंडिंग वायर होता है वह जल जाता है, पंखा चलते चलते किसी कारण से हाई वोल्टेज की वजह से, लो वोल्टेज की वजह से, या फिर ओवर कैपेसिटर की, यानी किसी कारण से यदि पंखा जल जाता है, तो उसके अंदर जो वाइंडिंग वायर लगा है उसको निकाल करके दूसरा वाइंडिंग वायर डालने की प्रक्रिया को वाइंडिंग कहते हैं। सबसे पहले तो हम रिपेयरिंग की बात कर लेते हैं। रिपेयरिंग के अंतर्गत जब पंखा ख़राब हो जाता है, रिपेयरिंग के लिए दुकान पर जाता है, वहाँ पर मिस्त्री आइडेंटिफाई करता है, चेकिंग करता है कि आखिर इसका हुआ क्या है। इसमें दो पार्ट होते हैं, रिपेयरिंग करना और वाइंडिंग करना। रिपेयरिंग करने का मतलब होता है जो इसके छोटे छोटे पार्ट लगे होते हैं, नट बोल्ट, पंखी लॉक नट, पंखी का लॉक नट और स्विच, लीड, कंडेंसर, बूस, ये सब प्रॉब्लम यदि इसमें आती है तो इसको चेंज किया जाता है, चेक किया जाता है। चेक करने के बाद इसको चेंज किया जाता है, यह रिपेयरिंग के अंतर्गत आता है। पंखे के अंदर जो मोटर लगी होती है, मोटर में वाइंडिंग होती है, यदि वो वाइंडिंग किसी कारण से जल जाती है या अंदर से टूट जाती है या फिर बॉडी अर्थ हो जाती है जिसका कोई जुगाड़ नहीं होता, तब उसको वाइंडिंग करने की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले तो हम रिपेयरिंग समझेंगे। रिपेयरिंग के अंतर्गत यदि आप दुकान खोलना चाहते हैं या फिर किसी दूसरे की दुकान पर काम करना चाहते हैं, तो आपको सभी पार्टों की चेकिंग करना आपको आना चाहिए। जैसे लीड हो गया, स्विच हो गई, स्विच को कैसे चेक करना है, लीड को कैसे चेक करना है, यदि वायर जो इधर से निकले होते हैं, देखिए यह पंखा है, पंखे की मोटर है, इसमें से तीन वायर निकले होते हैं, सभी मोटरों से तीन वायर निकले होते हैं जो फर्स्ट स्पीड में वाइंडिंग की गई होती है, जो लो मीडियम हाई में होती है उसमें से पांच वायर चार वायर इस तरह से निकले होते हैं, उनकी चेकिंग करना आपको आना चाहिए। आपको यह कंफर्म करना आना चाहिए कौन सा लो का है, कौन सा मीडियम का है, कौन सा हाई का है, और जिसमें तीन वायर निकले हुए हैं कैसे इसमें पता करना है कि किस पर कैपेसिटर जुड़ेगा, कहाँ पर कनेक्शन, ये सब आपको आना चाहिए। कहाँ करंट देना है, कहाँ पर कैपेसिटर जुड़ेगा, कहाँ कहाँ पर सप्लाई देने पर पंखा उल्टा चलेगा, कहाँ पर सप्लाई देने पर पंखा सीधा चलेगा, कैपेसिटर को कैसे चेक करना है कैपेसिटर खराब है, बूस को कैसे चेक करना है कि बूस ही खराब है या फिर नहीं खराब है। यदि आप ये चीज़ें नहीं सीखे रहेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कर क्या रहे हैं, करने क्या जा रहे हैं, खराब क्या है। पता चला लीड खराब है या बूस चेंज कर रहे हैं, लीड खराब है कैपेसिटर चेंज कर रहे हैं, आप कैपेसिटर जोड़ रहे हैं, इन तीन तारों में आपको चेक करना आना चाहिए कि यह जो तीन तार हैं इन तीन तारों में कैपेसिटर कहां पर जोड़ना है और करंट कहां पर देना है। आपको यह मालूम होना चाहिए कि किस दिशा में पंखा चलेगा तो सीधा होगा और किस दिशा में पंखा चलेगा तो उल्टा होगा। पंखा कभी उल्टा भी चलने लगता है, कभी सीधा भी चलने लगता है, ये सब जानकारी यदि आपको है तो आप पंखा रिपेयरिंग अच्छे से कर सकते हैं। देखिए, एक ही बार में आप स्पेशलिस्ट नहीं बन जाएंगे, आपको हाथ की सफाई करनी पड़ेगी तभी आप अच्छे मैकेनिक बन सकते हैं। लेकिन यदि आपको नॉलेज है कि बूस कैसे चेंज होगा तो आप उसको कर सकते हैं, कैपेसिटर कहाँ कहाँ जुड़ेगा आप उसको चेक कर सकते हैं। चलिए हम थोड़ा सा वीडियो की ओर बढ़ते हैं। देखिए, यह पंखा का बॉडी है, इसमें पंखी वगैरह लगी हुई थी उसको खोल दिए हैं, आपको लीड चेक करने आना चाहिए। यदि लीड खराब है तो इसको चेक करके आप चेंज कर सकते हैं, लीड आपके पास होनी चाहिए दुकान खोलना चाहते हैं। इसके अंदर यहाँ पर बटन लगी होती है, देखिए किसी में बटन
थ्री स्पीड की लगी होती है, यानी लो, मीडियम, हाई, एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, इस तरह से बटन भी आपको मार्केट में मिल जाती है। यदि पंखे की वाइंडिंग थ्री स्पीड में करनी है तो उसमें थ्री स्पीड में कर सकते हैं, इस बटन को लगा देंगे तो लो, मीडियम, हाई में चलेगा। और इसमें रेगुलेटर वाली बटन आती है जो लो, मीडियम, हाई अपने आप कर देती हैं। यदि फर्स्ट स्पीड में पंखे की वाइंडिंग हुई है, पंखा एक ही स्पीड में वाइंडिंग हुआ है, पंखे की मोटर से तीन तार बाहर निकले हुए हैं, तो इसको स्विच से लो, मीडियम, हाई रेजिस्टेंस को बढ़ा और घटा करके इसको एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर में चलाया जाता है। स्विच चेक करने आपको आना चाहिए, तभी आप स्विच, लीड, ये सब रिपेयरिंग कर सकते हैं। इसके बाद स्विच हो गई, लीड हो गई, लीड के बाद यहाँ पर कैपेसिटर जुड़ा रहता है। देखिए यह मोटर है, इस मोटर में कैपेसिटर जुड़ा हुआ है। अब आपको यहाँ मेन पॉइंट पर आना चाहिए, आप कैपेसिटर कैसे लगाएंगे, आपको चेकिंग करना आना चाहिए। मल्टीमीटर और सीरीज दो तरीके से आप चेक कर सकते हैं। मोटर को कैसे कंफर्म करना चाहिए कि मोटर में कहीं करंट तो नहीं आ रहा है। कभी कभार ऐसा होता है कि बॉडी में करंट आता है, पंखा टच करने पर करंट मारता है, तो आपको कैसे चेक करना है कि कहीं इधर से प्रॉब्लम है या फिर इधर से मोटर में प्रॉब्लम है, तब आपको ओपन करना पड़ेगा। इसके शाफ्ट को घुमाना है, यदि शाफ्ट नहीं घूम रहा है तो आपको क्या क्या चेक करना पड़ेगा, देखिए इसको चेक करना आना चाहिए। यदि नहीं आता तो हमारे चैनल पर वीडियो पड़ी है, उसको देख सकते हैं। इसके बाद मोटर को ओपन करना है, यही पंखे की मोटर होती है, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ होता नहीं है। यदि आप इसी में पूरा थोड़ा सा 10-5 वीडियो आप अच्छे से देख लेते हैं, लीड चेक करना, स्विच चेक करना, कैपेसिटर के पॉइंट चेक करना, और इसको ओपन करके इसके अंदर और जो पार्ट लगे हुए हैं उसको देखना और उससे समझना कि कौन सा पार्ट खराब होने पर कौन सी समस्या आती है। आप बाहर से पता कर सकते हैं कि यह जाम है, तो आपको पता चल जाना चाहिए कि इसका बूस खराब है, किसी में बैरिंग लगी हुई है, बैरिंग खराब है, बैरिंग तो नॉर्मल दिख जाती है लेकिन बूस चेक करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। सबके बस की बात नहीं होती है, जो नए नए होते हैं उनके लिए, उनको यही पता नहीं चलता कि बूस खराब है। यदि बैरिंग लगी होती है तो बैरिंग दिखाई देती है, बैरिंग फूट गई है, ग्रीस सूख गया है, बैरिंग जाम है, लेकिन बूस में थोड़ी सी दिक्कत जरूर होती है। अब चलिए इसको थोड़ा सा ओपन करके देख लेते हैं। दूसरी मोटर हमारे पास पड़ी हुई है, यहाँ तक चेकिंग वगैरह कर ली इसकी तार की, और इसको यह चेक करना चाहिए कि अंदर से इसकी वाइंडिंग सही है या नहीं सही है। चैनल पर वीडियो है, इसको देख लीजिए, इसकी वाइंडिंग कैसे चेक करना है, कैपेसिटर कहाँ कहाँ पर जुड़ेगा यह कैसे चेक करना है, लाइट वाला कनेक्शन कहाँ कहाँ पर होगा, किस पर लाइट जोड़ने से पंखा उल्टा चलेगा, किस पर जोड़ने से सीधा चलेगा। अब इसको ओपन करते हैं, यहाँ यदि यहाँ तक समस्या सॉल्व नहीं हुई, यदि पंखा कोई डेड है, नहीं चल रहा है, तब हमने लीड चेक किया, स्विच चेक किया, कैपेसिटर चेंज कर दिया, फिर भी समस्या का समाधान नहीं हुआ, पंखा नहीं चल रहा है, कभी यह जाम है या जाम नहीं है, तब भी नहीं चल रहा है, तो आप इसको ओपन करेंगे। देखिए इसको ऐसे ओपन कर लेना है, ये पीछे वाला पल्ला है और यह आगे वाला पल्ला है। देखिए अब थोड़ा सा हम इसको समझ लेते हैं, जब बूस कट जाते हैं, बूस यहाँ पर लगे होते हैं, देखिए इसके अंदर यहाँ पर बूस लगे होते हैं और 1, 2, 3, 4 कील यहाँ पर लगी होती हैं, यह मार्केट में आपको मिल जाती हैं। इसको आप चेंज करिए, यदि पंखा जाम है तो आप इसको चेंज कर देंगे। बूस चेंज करने के लिए आपको इस तरह से शाफ्ट को इसके अंदर डालना है, ऐसे ऐसे, और ऐसे चाल नहीं होनी चाहिए, ऐसे हिलाने पर इसमें चाल नहीं समझ में आनी चाहिए। यदि चाल है तो आपको बूस चेंज करना पड़ेगा। यदि ग्रीस वगैरह इसका सूख गया है, जो इसमें वो होता है ऑयल होता है, यदि वो सूख गया है तो उसको आप पुनः से डाल दीजिए, लुब्रिकेंट चिकना हो जाएगा। इसी तरह से आगे वाले पल्ले को भी चेक करना है, ऐसे डालना है और ऐसे हिलाना है। कभी कभार शाफ्ट टेढ़ा हो जाने पर भी इसमें प्रॉब्लम आ जाती है, यह किनारे पर टच करने लगता है इस मोटर। यदि बुशिंग तक आप पहुंच गए तो बुशिंग सही है, यदि बुशिंग सही नहीं है तो आपको बुशिंग कर देना है, मोटर चलने लगेगी। और अब बाइंडिंग पर आते हैं, यहाँ पर यहाँ यदि कोई प्रॉब्लम आ जाती है, इसमें बाइंडिंग हुई है, यहाँ यदि कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो आपको वाइंडिंग करना पड़ेगा, यानी जो इसमें वाइंडिंग हुई है इसको काट करके बाहर निकालना पड़ेगा, पीवीसी डालना पड़ेगा, पेपर इसमें लगा हुआ है, इसको डाल करके जैसे जैसे डाला है उसको डालना है और पुनः से वाइंडिंग कर देना है। अब बाइंडिंग किन किन स्थिति में होती है, बाइंडिंग तीन स्थिति में हो सकती है।
या तो यह मोटर अस्पष्ट दिखाई दे रही हो कि जल गई है, तब आपको वाइंडिंग करना है। दूसरी कंडीशन में इसके जो तीन वायर होते हैं, वायर कहीं से कंटिन्यूटी कटनी नहीं चाहिए, इनकी कंटिन्यूटी आनी चाहिए, आपस में सब जुड़े होने चाहिए। मान लीजिए हम मल्टीमीटर से चेक कर रहे हैं या फिर सीरीज से चेक कर रहे हैं, आपके पास सीरीज और मल्टीमीटर दोनों होना चाहिए, तभी आप चेक कर सकते हैं। सीरीज बेटर होता है, लाइट नहीं है तब मल्टीमीटर का यूज आप कर सकते हैं। यहाँ पर कंटिन्यूटी आनी चाहिए। मान लीजिए किसी कारण से कंटिन्यूटी नहीं आ रही है, इसके वायर कहीं ना कहीं से टूट गए हैं, वो आपके समझ में नहीं आ रहे हैं और दिखाई भी नहीं दे रहा है, तब आपको वाइंडिंग करना पड़ेगा। फर्स्ट कंडीशन में यह जला हुआ दिखाई देगा, दूसरी कंडीशन में इसके वायर कहीं से टूट गए हैं जो कि संभव नहीं है उसको जोड़ना। यदि जोड़ दीजिए तो सही है, एक वायर टूटा है, दो वायर टूटा है, जोड़ दीजिए, सही हो जाएगा, मोटर चलने लगेगी। लेकिन ऐसा नहीं है, समझ में नहीं आ रहा इसका वायर कहाँ से टूट गया है, पतले पतले वायर होते हैं, तब आपको वाइंडिंग करनी पड़ेगी। और तीसरी कंडीशन में कहीं से इसके करेंट आ रहा है, यहाँ देख रहे हैं पेपर वगैरह सब सही है, फिर भी बॉडी में करेंट आ रहा है, उस कंडीशन में वाइंडिंग करनी पड़ेगी। इतना आप सीख करके पंखे की रिपेयरिंग और वाइंडिंग कर सकते हैं। एक बार पुनः से दोहरा देते हैं, यदि पंखा रिपेयरिंग या फिर वाइंडिंग करना चाहते हैं तो आपको रिपेयरिंग जितने भी इसमें पार्ट लगे होते हैं, दुकान खोलना है तो पार्ट आपके पास होना चाहिए। यदि आप वाइंडिंग करने की सोच रहे हैं तो इसके लिए आपके पास पेपर होने चाहिए, इस तरह से कलर वाले वायर होने चाहिए, स्लीप होने चाहिए, कार्टन टेप होने चाहिए जो कि रनिंग और स्टार्टिंग बाइंडिंग के बीच में लगाया जाता है, और सिलाई करने के लिए, टेपिंग करने के लिए धागा होना चाहिए। और वाइंडिंग से जो कनेक्शन से रिलेटेड जानकारी है, कनेक्शन संबंधी जानकारी आपको होनी चाहिए, कौन सा कनेक्शन कैसे करना है, कैसे कामन बनाना है, कहाँ पर कैपेसिटर जोड़ना है, ये सब आपके पास जानकारी है। यदि आप दुकान खोलना चाहते हैं तो आप खोल सकते हैं, या फिर किसी दुकान पर काम करना चाहते हैं, किसी मिस्त्री के साथ में काम करना चाहते हैं तो आप काम कर सकते हैं।